सो हे फेलोस, कैसे हो तुम सभी लोग? उम्मीद करता हूँ तुम सब अच्छे होगे। सो आज की वीडियो में भी हम काफी सारे अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, स्पेशली नारुतो शिपुडेन को लेकर भी मेरे पास एक छोटा सा अपडेट है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अपने कुछ एनिमे अपडेट्स के बारे में। जैसे द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो का जो सीजन 4 है वो ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, और इसके अलावा निंजा कामुई का जो ओरिजिनल एनिमे है वो फाइनली एयर होगा 10 फरवरी को। साथ ही में इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में, जो कि आता है अपना ब्लैक क्लोवर। और हाँ, यहाँ पे फाइनली ब्लैक क्लोवर के एनिमी को लेकर हमारे पास एक अपडेट आ चुका है, जो कि आप लोग अपडेट भी नहीं कह सकते हो, ये एक्चुअली में लीक्स आई है इसके न्यू सीजन को लेकर। वेल, जैसा कि मुझे पता है कि ब्लैक क्लोवर के जितने भी एनिमी फैंस हैं वो इसके सीजन 5 का काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, और सच कहूं तो काफी टाइम से ही ब्लैक क्लोवर के एनिमी का हम लोग को कुछ कॉन्टेंट देखने नहीं मिला है। अब हालांकि पिछले साल हम लोग को इसकी एक मूवी तो देखने मिली थी, जो कि सच कहूं तो काफी ज्यादा हिट गई थी, इवन नेटफ्लिक्स के ऊपर भी उसने काफी सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। और उसी के बाद ब्लैक क्लोवर के फैंस को लगा था कि हम लोग को न्यू सीजन देखने मिलेगा एनिमी का, और सच कहूं तो ये अपडेट भी एक्चुअली में उसी को लेकर, क्योंकि यहाँ पे लीक्स के अकॉर्डिंग ब्लैक क्लोवर का एनिमे जो है वो रिटर्न करने वाला है 2025 में। और हाँ, यहाँ पे कहा गया है 2025 के अर्ली में हम लोग को इसका एक नया सीजन देखने मिल सकता है, जो कि अब कितना ज्यादा सच है कितना झूठ है वो तो मैं आप लोगों को ट्रस्ट करने के लिए ज्यादा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ लीक्स है। और सच कहूं तो मैं लीक्स के ऊपर आप लोग को ज्यादा ट्रस्ट करने के लिए कहता भी नहीं हूँ, इसलिए अगर आप लोग इन लीक्स के ऊपर यकीन करना है तो आप लोग कर सकते हो, नहीं तो अगर आप लोग को ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हो। हालांकि इन सब चीजों को लेकर तो बात चलती रहेगी, इसलिए हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में। सो नेक्स्ट अपडेट आता है हमारे पॉलीगॉन की तरफ से। सो पॉलीगॉन नाम एक वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारे रिव्यूज होते रहते हैं, और यहाँ पे इस बार पॉलीगॉन ने एक खतरनाक चीज रिवील की है। जैसे कि उन्होंने ये कहा है कि जितने भी एनिमे देखने वाले लोग हैं उनमें से 44% का क्रश एनिमे कैरेक्टर पर है। और हाँ, देखा जाए तो ये नंबर एक्चुअली में काफी ज्यादा ही बड़ा है, बट एक बात कहूँ तो यहाँ पे एनिमे कैरेक्टर को पसंद करना कोई बुरी बात नहीं है, अगर आपके कोई भी एनिमे कैरेक्टर के ऊपर क्रश है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना कि हर चीज लिमिट में ही अच्छी लगती है, अगर वो लिमिट से बाहर चली जाती है तो उसका क्या अंजाम होता है वो तो हम सभी लोगों ने देख लिया है, इसलिए लिमिट के साथ ही हम लोग किसी एनिमे कैरेक्टर को पसंद करें तो वो ज्यादा अच्छा। बाय द वे, मुझे पता है कि तुम लोग शायद समझ चुके होगे कि मैं किस कैरेक्टर बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं तो अगर तुम लोग मेरी बात नहीं समझे हो तो शायद अगला अपडेट सुनने के बाद तुम लोग मेरी बात समझ जाओ, क्योंकि यहाँ पे अगले कैरेक्टर के अंदर जुजुत्सु कैसेन की सीरीज के हम लोग को कुछ न्यू फिगरिंग्स देखने मिले हैं, जिसमें एक तो हमारा तोजी फुशिगुरो का फिगर है, दूसरा हमारा आता है गोजो सातोरू का फिगर, जो कि हाँ, इसको देखने बाद तुम लोग उस इंसिडेंट को याद मत करने लगना, क्योंकि सच कहूं तो अब गोजो की फिगरिंग्स या फिर कोई भी जुजुत्सु कैसेन की फिगरिंग देखने के बाद मुझे वही वाला इंसिडेंट बार बार याद आने लगता है। मतलब सच कहूं यार, उस लड़की ने सच में सबको ट्रॉमा में पहुंचा दिया है, और यहाँ पे मैं सबका नाम इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि गोजो के फिगर को देखने बाद सबका रिव्यूज कुछ ऐसा ही था। हालांकि सच कहूं तो अगर कोई भूलने का तरीका होता तो मैं इन सब चीजों को जरूर भूलना चाहता है, इसलिए चलो इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा बात नहीं करते हैं। और हम लोग बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने मॉन्स्टर्स की सीरीज को लेकर। सो यहाँ पे मॉन्स्टर 103 ड्रैगन डोमिनेशन का जो एनिमे है वो फाइनली अब स्ट्रीम हो रहा है नेटफ्लिक्स पर, और स्पेशली अगर आप लोगों ने इस एनिमे को अभी तक नहीं देखा है तो मैं बता दूं कि ये हमारे इचिरो ओडा की स्पेशल मांगा की एनिमे है, जिसमें मुझे पता है कि स्टोरी जो है वो वन पीस से तो कनेक्ट रहेगी, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोगों ने वन पीस का एक एपिसोड भी नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों ने वन पीस एनिमे नहीं देखा है तो आप लोग इसको नहीं देख सकते हो, बस एक एपिसोड है 25 मिनट्स का, जो कि आप लोग जाके जरूर देखना, क्योंकि सच कहूं तो इस एपिसोड के अंदर हमें अपने जुजुत्सु कैसेन का भी एक रेफरेंस देखने मिला है, जो कि सच कहूं तो यहाँ पे कोई ज्यादा शॉक होने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इचिरो ओडा की मॉन्स्टर एनिमे को उन्होंने ही बनाया है जिन्होंने जुजुत्सु कैसेन के सीजन 1 को बनाया है, इसलिए जुजुत्सु कैसेन के सीजन 1 का रेफरेंस देखना तो कॉमन सी बात थी। बाय द वे, अगर मैं तुम लोगों को सच कहूं तो मैंने अभी तक मॉन्स्टर एनिमे के एपिसोड को नहीं देखा है, लेकिन अगर आपको इसके एपिसोड को देखना है तो आप लोग इसको एनिमन एशिया पे भी जाके देख सकते हो, वहां पे ये बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर लेना। साथ ही में इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने वन पीस को ही लेकर। सो फ्रांस के अंदर हमारे वन पीस और बर्गर किंग का कोलैबोरेशन अनाउंस हुआ है, और हाँ, यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ, अब आप लोग को लूफी का नाम का बर्गर वहां पे देखने को मिलेगा। और सच कहूं तो यहाँ पे यार वन पीस एनिमे को लेकर आजकल बहुत सारी चीजें हो रही है, जिसका सारा क्रेडिट तो हमारे इचिरो ओडा को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इतनी कमाल की सीरीज हम लोग को दे रखी है, जिसमें हमारा लाइव एक्शन है, एनिमे है, मॉन्स्टर की सीरीज है, साथ ही में वन पीस का मांगा तो अलग ही लेवल पे चल रहा है। सो यहाँ पे अपने गोट के बारे में क्या ही बात करना है, इसलिए यहाँ पे हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने नेटफ्लिक्स को ही लेकर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एनिमे के बारे में तो बात करते ही रहते हैं, लेकिन आज हम लोग बात करें अपने लाइव एक्शन सीरीज के बारे में। सो लाइव एक्शन के अंदर भी नेटफ्लिक्स काफी ज्यादा धूम मचा रहा है, स्पेशली अगर आप लोग लाइव एक्शन के फैन हो तो आप लोगों को नेक्स्ट मंथ एक और कमाल का लाइव एक्शन देखने मिलने वाला है, जो कि अपने एक बहुत ही पॉपुलर शो का लाइव एक्शन है, जिसका नाम है अवतार दी लास्ट एयर बेंडर, जिसका लाइव एक्शन का हमें एक न्यू विजुअल साथ में हम लोग को एक न्यू ट्रेलर देखने मिला है। और यहाँ पे सच कहूँ तो जब से ये अनाउंस हुआ है तब से मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने नेटफ्लिक्स का ऑलरेडी पोटेंशियल देख लिया है कि नेटफ्लिक्स वाले काफी अच्छा लाइव एक्शन बनाते हैं, और यहाँ पे इसका लाइव एक्शन भी यार काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। अब वेल, यहाँ पे लाइव एक्शन तो आप लोगों को नेक्स्ट मंथ ही देखने मिलेगा, और नेक्स्ट मंथ में भी आप लोग को ये 22 फरवरी को देखने मिलने वाला है, जो कि हाँ काफी ज्यादा अच्छी न्यूज तो है ही लाइव एक्शन फैंस के लिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या इसका हिंदी डब आएगा कि नहीं, तो देखो इसका हिंदी डब का तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैंने जितनी भी लाइव एक्शन देखी है वो सारी हिंदी डब में देखी है। और जहां तक हम लोग अवतार दी लास्ट एयर बेंडर के लाइव एक्शन के बारे में बात करें कि क्या ये हिंदी डब आएगा कि नहीं, तो देखो इसका हिंदी डब भी आएगा ये कन्फर्म है, इसलिए आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तब तक के लिए आप लोग इस लाइव एक्शन के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो आप लोग
मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना है। एंड यहाँ पे तो हम लोगों ने नेटफ्लिक्स के लाइव एक्शन के बारे में बात कर लिया, जो कि मैंने बता दिया कि वो काफी कमाल के लाइव एक्शन बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे सच कहूँ तो हमारे एक और एनिमे का भी लाइव एक्शन अनाउंस हुआ था, और अनाउंस नहीं काइंड ऑफ आप लोग कह सकते हो कि लीक सुनी मिली थी, जहाँ पे मैंने आप लोग बताया था कि अपने ओशिनोगो के एनिमे को लाइव एक्शन मिलने वाला है। और यहाँ पे ये अपडेट इसी को लेकर है, क्योंकि ओशिनोगो का लाइव एक्शन ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है और आप लोग अपनी स्क्रीन पर ओशिनोगो के कुछ कैरेक्टर को देख सकते हो, जो कि अब सच कह रहा हूँ इस चीज को देखने के बाद भी मैं सदमे में जा चुका हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है लेकिन ये कैरेक्टर सच में काफी ज्यादा अजीब है। स्पेशली सच कहूँ तो ये जो पूरी कास्ट है वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है, लेकिन सच कहूँ तो मैं अपना हाथ पहले ही हटा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस लाइव एक्शन के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप लोग इस लाइव एक्शन को देखना है तो जैसे इसके रिलीज डेट की कुछ अपडेट आएगी वैसे मैं आप लोग साथ शेयर कर दूंगा। इसलिए इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने क्रंची रोल को लेकर। सो एनिमे अवार्ड्स को लेकर मैं आप लोगों को काफी टाइम से कुछ ना कुछ अपडेट शेयर करते जा रहा हूँ, और यहाँ पे ये जो अपडेट होने वाला है वो एक मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर है, जिसमें शायद अगर आप लोग याद होगा तो कुछ टाइम मैंने आप लोग बताया था कि जुजुत्सु कैसेन को सबसे ज्यादा नॉमिनेट किया गया है क्रंची रोल के एनिमे अवार्ड्स के अंदर, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्रंची रोल अवार्ड्स के अंदर किसी और एनिमे को सबसे ज्यादा नॉमिनेट किया गया है। अब जिन्होंने गेस कर लिया उनके लिए तो तालिया, लेकिन जिन्होंने भी गेस नहीं किया मैं उन्हें बता दूं कि क्रंची रोल में जिस एनिमे को सबसे ज्यादा नॉमिनेट किया गया है कैटेगरीज में वो और कोई नहीं अपना चेंसो मैन का एनिमे है। और मैं सच कह रहा हूँ चेंसो मैन को 25 कैटेगरीज में से 17 कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया है, जिसको आप लोग भी देख सकते हो कि अपने कौन कौन से कैटेगरी में इसको नॉमिनेट किया गया है। अब वेल यहाँ पे सच कहूँ तो अगर इसमें से 2-3 कैटेगरीज हमारे ब्लीच एनिमे को मिल जाती तो सच कहूँ तो वो काफी ज्यादा ही अच्छा होता है, बट यहाँ पे क्रंची रोल वाले किस तरीके से एनिमे अवार्ड्स के अंदर एनिमे को नॉमिनेट करते हैं वो तो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। इसलिए इन सब चीजों को साइड में रखकर आप लोग मुझे बताओ कि चेंसो मैन का एनिमे कौन कौन सी कैटेगरी में इस साल जीत सकता है। एंड ये तो हम लोगों ने क्रंची रोल के एनिमे अवार्ड्स में बात कर लिया, लेकिन हम लोग बात करें अपने डीमन स्लेयर के अपडेट के बारे में। स्पेशली अगर आप लोग डीमन स्लेयर को डब में देखते हो तो ये अपडेट आप लोग के लिए स्पेशल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डीमन स्लेयर का सीजन 3 अब तमिल और तेलुगु डब के साथ क्रंची रोल पर स्ट्रीम हो रहा है। सो अगर आप लोग डीमन स्लेयर सीजन 3 को अब तमिल तेलुगु में देखना चाहते हो तो आप लोग जाके देख सकते हो। एंड साथ ही हम लोगों ने डब्स के बारे में बात कर ही लिया है, सो यहाँ पे हम लोग कुछ और एनिमे के डब्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग बात करें अपने असैसिनेशन क्लासरूम के बारे में, जिसकी रूमर मैंने कुछ ना पहले ही बताई थी आप लोग को, जहाँ पे मैंने आप लोग बताया था कि इस एनिमे का रीजनल डब चल रहा है, और इसके रीजनल डब को लेकर हमारे पास एक अपडेट भी है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि वॉइस आर्टिस्ट ने कंफर्म किया है कि हमारे असैसिनेशन क्लासरूम का रीजनल डब चल रहा है। और मैं ऑलरेडी कह देता हूँ कि रीजनल डब के अंदर हमारे तमिल तेलुगु हिंदी तीनों लैंग्वेज आते हैं, इसलिए यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे सच कहूँ तो अगर आप लोग को अभी हिंदी डब के बारे में जानना है, स्पेशली अगर आप लोग को नरूटो शिपुडेन की हिंदी डब के अपडेट्स के बारे में जानना है, तो आप लोग इस पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नरूटो शिपुडेन की डबिंग अगर चल रही है तो उसके एपिसोड्स अब तक कहाँ तक डब हो चुके हैं। सो यहाँ पे इसी को लेकर हमारे सोर्सेज यानी हिडन एक्सोडा की तरफ से एक अपडेट आया है, जहाँ पे उसने वॉइस आर्टिस्ट से यही सेम सवाल पूछा, और उन्होंने ये कहा है कि नरूटो शिपुडेन का डब अभी अभी स्टार्ट हुआ है, इसलिए अनुमान लगाया जाए तो अभी तक सिर्फ 8 से लेकर 10 एपिसोड ही डब हुए हैं, और अभी डबिंग में लिटरली 8 से 10 एपिसोड को डब कर दिया गया है, जिससे अब साफ पता चल रहा है कि डबिंग स्पीड अच्छी खासी है। और यहाँ पे इसी को लेकर मोहित सिन्हा सर ने भी अपडेट दिया है, जहाँ पे उन्होंने भी ये कंफर्म किया है कि डबिंग जो है वो काफी तेजी से चल रही है, और जिस तरीके से डबिंग चल रही है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि 2 महीने बाद हम लोगों को नरूटो शिपुडेन देखने में मिल सकता है। अब इन 2 महीनों में से कौन से महीने के बारे में बात की जा रही है उसको लेकर तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन प्रोबेबली यहाँ पे फरवरी की तो बात नहीं हो रही है, आप लोगों को शायद मार्च या फिर अप्रैल के टाइम में नरूटो शिपुडेन का कोई प्रोमो वगैरह देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे मैं शोर हो कि नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सोनी ये नहीं हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मेरा प्रेडिक्शन है, तो आप लोगों को ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। साथ में यहाँ पे जितना भी नरूटो शिपुडेन को लेकर अपडेट आया था वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है, अब जैसे ही प्रोमो को लेकर कुछ अपडेट आता है वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो रख लो, जिससे जैसे ही मैं नरूटो शिपुडेन को लेकर अपडेट वाली वीडियो डालू तो वो वीडियो आप लोग मिस ना कर पाओ। इसलिए अगर उन सब वीडियो को मिस नहीं करना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। एंड इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट और लास्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है हमारे सोलो लेवलिंग को लेकर, तो सच कहूं तो ये सोलो लेवलिंग को लेकर कुछ अपडेट नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली मैं आप लोग कुछ कहना चाहूंगा, तो आज से करीब 3 दिन पहले मैंने एनिमे फैंस क्वेश्चन का एपिसोड 5 डाला था चैनल पर, जिस वीडियो के अंदर बेसिकली मैंने ये कहा था कि मैं सोलो लेवलिंग को बिल्कुल भी जज नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे सोलो लेवलिंग के सिर्फ 3 एपिसोड आए हैं, और एक्चुअली में सोलो लेवलिंग कैसा एनिमे होगा कैसा नहीं होगा वो तो अब आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि सच कह रहा हूँ उस टाइम तक मैंने इसकी मानवा नहीं पढ़ी थी। और इसी चीज को लेकर कमेंट में काफी सारे लोगों ने ये कहा था कि भाई तू इसका मानवा पढ़ ले, क्योंकि इसका मानवा पढ़ने के बाद तू सीरियसली जुजुत्सु कैसेन को भूल जाएगा। इसलिए सच कह रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने इस चीज को लेकर मुझे सजेस्ट किया, और इसी को लेकर सच कह रहा हूँ मैंने बहुत सोचा, और फिर सच कहूँ तो मुझे लगा कि मानवा पढ़ ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो एनिमे वाले क्लिफ हैंगर पर छोड़ते हैं उसके बाद हर हफ्ते इंतजार करना पड़ता है न्यू एपिसोड का, तो सच कहूँ तो उसको देखते हुए मैंने सोचा कि यार इतना इंतजार कौन ही करेगा, इसलिए मैं चला गया इसका मानवा पढ़ने के लिए। और अब बात रही कि इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग है कि नहीं, तो इसका अंदाजा आप लोग इस तरीके से लगा सकते हो कि मैंने 2 दिन पहले इसका मानवा पढ़ना स्टार्ट किया, और यहाँ पे मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ 2 दिनों के अंदर इसके 70 से भी ज्यादा चैप्टर पढ़ लिए, जिससे आप लोग को अंदाजा हो गया होगा कि इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग है। स्पेशली सच कहूँ तो अगर आप लोग को एक्शन वाला एनिमे पसंद है तो मैं आप लोग को कहना चाहूंगा कि ये सीरीज आप लोग के लिए परफेक्ट है। स्पेशली इस बंदे को देखो आप लोग को क्या फीलिंग आती है, मतलब यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि यार एनिमे के अंदर तो दिखाया गया है कि सबसे वीकेस्ट हंटर है, और अभी फिलहाल की कंडीशन बारे बात करें तो इसने फिलहाल में अभी थोड़ी बहुत प्रोग्रेस की है, लेकिन हाँ अभी भी हम लोग कुछ खतरनाक फाइटिंग एनिमे के अंदर देखने को नहीं मिली है। जिसको लेकर अगर आप लोग यही सोच रहे हो तो मैं बता दूं कि जो एमसी होने वाला है यानी जो अपना सोलो लेवलिंग का मेन कैरेक्टर संग जिन वू
एक्चुअली में आगे जाके इतना कूलेस्ट एमसी बन जाएगा जो कि मैं दावे के साथ कहूंगा कि ये इस साल का आपका फेवरेट मेन कैरेक्टर बनने वाला है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसको लेकर मैं आप लोगों को स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो अपना संग जिन वू है इसका दूसरा रूप देखने के लिए आप लोग बिल्कुल भी रेडी नहीं हो, क्योंकि सच कहूं तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा कि मैंने मानवा के अंदर क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। इसलिए अगर मुझे कुछ कहना भी है तो मैं बस कहूंगा अराइज, और ये अराइज वाला मोमेंट जब आएगा एनिमे के अंदर तब तो मैं इमेजिन भी नहीं कर पाऊंगा कि सभी फैंस का क्या रिएक्शन होने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोग जैसे एनिमे देख रहे हो वैसे देखते रहो, आगे आने वाले टाइम में आपको खुद पता चल जाएगा कि ये एनिमे कितना ज्यादा कमाल का होने वाला है। इसलिए सच कहूं तो मुझे इसके बारे में जितना बात करना था वो मैंने कर लिया है, और अगर इससे ज्यादा कुछ बताने के लिए गया तो हो सकता है कि आप लोगों को कुछ स्पॉइलर मिल जाए। इसलिए अभी इस पार्ट को फिलहाल के लिए एंड करते हैं, जैसे एनिमे के अंदर एपिसोड्स आ जाएंगे तब उसके बारे में हम लोग खुल के बात करेंगे, और अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए, और मैं मिलता हूं बस लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।